सबको मोटिवेट करें फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे बच्चन जी फॉर इन योर वॉइस एंड इट वाज आवर सेलिब्रेटिंग माय वेरी एनिवर्सरी ऑफ द 50 इयर्स। 50 बरस पूरा करना वो भी जिंदगी का चाली के विषय से मुझे तो कल जब सेलिब्रेट किया था शिव पुराण के अंदर प्रकाश भाई ने पूरा संगीत संभाल लिया था ऐसा लगता था कि अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुई है और मुझे 50 बरस के हिसाब से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कभी जो शब्द बोलने का मेरे भाई और उसको बोला वो बहुत बहुत हो गई थी लेकिन मैं नहीं बोल सकूँगी कुछ आकर नहीं है क्योंकि इसने कुछ बात करते करते बोला होगा वो जो सीएजे ग्रेजुएट है गुजराती की ग्रेजुएट हुई है और उसको 50 साल हो गया। 50 साल पहले हम जब मिले थे तब एक ही था वो बोले कि मैं काम करूँगी या न करूँगी अलग बात है लेकिन अपनी जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी जैसे आप सोच रहे हो। मैंने खुले दिल से बात होती थी तभी ये नहीं था कि भाई से मिलन बना दो ये करो और स्त्री टाइप कपड़ा पहन के आ जाओ और जो सब जो बोलो नहीं नहीं मिले अच्छा मुझे चाहिए अच्छा मुझे ये चाहिए वो चाहिए बहुत कुछ आजकल चलता है उस टाइम कुछ भी नहीं था ऐसा सिर्फ 2 बातें थी और 2 बातें में मुझे घर पे मैं गया हुआ था जो मुझे बुलाया हुआ था वहाँ तो आदत जम थे जो देखने के लिए या बातचीत करने गए थे तभी जो क्लोज फैमिली मेम्बर थे पर जो सब तो हम लोग बोले बात पे फिर आंखों आंखों में इशारा हो जाता है कुछ भी गया तो 5-7 मिनट 10 मिनट बैठे और थोड़ी सी प्राइवेट बात होती जो मुझे बोलने के लिए जो उनको मैंने बोला कि मैं पहला बोलता हूँ बाद में आप बोलना या आपको सूट पड़े तो आप उनकी बात आगे बढ़ाएंगे और सूट पड़ेगा न पड़े उसका सवाल नहीं उसका सवाल अपने मन का है दिल का है और डेडिकेशन का है तब हम लोग नक्की कर लिया ये हो गया। और आज जब सेलिब्रेट कर रहे थे मनेकर 13 मई और 13 मई का अगर स्लोगन दिया है तो उसने दिया है उनके पास बैठा हुआ था तो बोला कि 13 मई 73 का है तो मैं दे रहा हूँ और उसी हिसाब से उसने जो जोक में दिया था वो जोक को आज रियलिटी में बदली होकर सब लोग बोल रहे थे मैं दे रहा हूँ ऐसा करके बोल फिर थोड़ा सा मेरा वाइफ ने जब मनोरमा ने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया अपने दिल को और क्योंकि बहुत भावुक हो जाने के बाद में बोल 2 शब्द बोलने के लिए बड़ा तकलीफ होता है कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ फिर उसने जो 2 शब्द बोले और पुराने याद किए जो आपने भी देखा जो अभी जो रिलीज किया था कि मेरी भाई मेरे लिए क्या बोल रही है उतना बोलने के बाद ऐसा लगा कि समथिंग जिंदगी के अंदर कभी ऐसा मैंने सुना नहीं था इसके पास सुना नहीं था कभी मैंने पढ़ा भी नहीं था ऐसा कुछ होता है और कर सकते हैं बस मैं भी एक कोई जिंदगी के पे पथ पे आज भी मैं चला जा रहा हूँ और मैंने कुछ नग में भी प्रकाश भाई को मैंने भेजा हुआ है सुबह सुबह 8:30-9 बजे जो रात का कल रात का हमारा प्रोग्राम करीब 11:30 बजे हो गए पर हम 12:30-1 बजे तक वहाँ पहुँचे और सब मेरे करीब आउट ऑफ बॉम्बे से मेरे रिलेटिव सब आए हुए थे और एक जमेला तक करीब 2 बजे और सुबह कुछ याद आया तो मैंने इनको प्रकाश को भेज दिया मैंने देखो मेरे रियल लाइफ का कुछ मैं भेज रहा हूँ मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं तो ये शब्द है उनके मैंने भेजा कहने का मतलब मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं क्योंकि मेरी लाइफ लंबी चलने वाली है और मैं लाइफ को हमेशा
ऐसे कुछ रंग में मैंने इनको भेजे हुए, अभी बोलूंगा तो इनको जो सीक्रेट रखा हुआ है वो उनको मालूम नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। फिर भी एक जो स्टार्टिंग का मैंने एक नगमा लिखा है वो उनको बताओ। हैया हो हैया 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 हो मेरे तैया जी उतरे की पार हो नैया धीरे हो धीरे हो धीरे हो धीरे हो नैया हैया हो हैया। ये शब्द आज सुनने को नहीं मिलेंगे। आज आपके जो सॉन्ग्स है वो सॉन्ग इतने पुराने के लिए बोलिए खटोल का है मेरे ख्याल से, इतने पुराने सॉन्ग आपको नहीं मिलेंगे। किसने कहा था कि जब ये मिलन के होते तभी नदी के प्रवाह को संध्या में लाओ, नदी के प्रवाह को अटकना नहीं चाहिए और बहते रहना चाहिए। उनका मतलब है जगह बहते हुए और नदी के प्रवाह को बहते हुए जब होड़ी में जाते हैं तो डगमग नहीं होने जाने होगे तो उनको बोलते कि रुक जा मेरे से ही आ रहे हैं। इतनी उतनी ताकत थी उस जमाने में, वो ताकत थी कि कुदरत को भी दो सेकंड खड़ा कर सके। ऐसी ताकत के बारे में हमारा जो कल प्रोग्राम था शिवपुरा प्रकाश भाई ने देखा होगा कि इतने सब लोग बहुत कुछ बोला कि एक प्रोग्राम करना चाहिए वो प्रोग्राम करना चाहिए, लेकिन मैंने प्रगति शिव पुराण के हिसाब से जो सजेशन था दो तीन उसी हिसाब से किया था। लेकिन जो कभी शंकर भगवान को मानने वाले भोलेनाथ को मानने वाले जब उतने हम पूजा में बैठे हुए थे तभी उतने हर्ष महाराज नाम है उनका जो शब्द बोले और जो उनके गले उनकी आवाज़ अपने यहाँ जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं उनका भी टक्कर मारे बीच उसकी आवाज है सब मैं कह सकता हूँ। मेरी 75 ईयर्स की जब जुबली मनाई थी तब ऐसा ही प्रोग्राम था जिसे गांधी करके हमारे प्लेबैक सिंगर थे दोस्त थे उनके साथ बोला जब प्रोग्राम किया था तो उन्होंने बोला कि यार पहले सॉन्ग कौन गाएगा, जैसे आपने बताया वो साइकिल का गीत गाया अपने चेतन मैंने इनका रूप गाया अपना जागते रहो का जिंदगी खाब है खाब में। तो वैसे वो महाराज ने जैसे दिया जला जला रहे थे तब हमने बोला कि महाराज जरा दो शब्द आप बोलो अच्छा रहेगा, और मैंने उनको बोला थोड़ा सा संस्कृत में श्लोक बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा क्योंकि तो मेरी इच्छा है कि थोड़ा कुछ माहौल अलग अलग तरीके का होना चाहिए। तो उससे बड़ा फिक्र मत करो मैं बोलूँगा, लेकिन मुझे जो गाना गया आज तक भी ऐसे वाइब्रेशन नहीं आया वो गाने के अंदर। अभी जब जो वाइब्रेशन आता है कभी कभी आप लोग में से जब भी कोई गाता है तभी उसका रीज़न यही है कि सुनने वाले गाने वाले तो आजू बाजू का सब सिचुएशन छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए मैं कौन हूँ वो भी भूल जाना चाहिए। मैं एक गायक हूँ सिंगर हूँ जिससे मैं लगता हूँ शमशाद बेगम हूँ, ऐसे करके जो आप मन में बैठोगे कि मैं ये गाने गा रहा हूँ और कुछ भी नहीं होगा तो आप देखो आप बैठे हुए हैं जो सुनने वाले के दिल में वाइब्रेशन आता है और वही वाइब्रेशन आपको जिंदगी भर कहाँ लेके जाएगा वो आप मुझे 2 बरस के बाद पूछना, और 2 बरस के बाद मैं आपके साथ वही प्रोग्राम करूँगा फुल प्रोग्राम में सब स्वच्छ करूँगा। ऐसे 5-10 गायक आ जाए, मैंने हमेशा प्रकाश को बोला है क्यों मैं क्यों टीम, मेरा तो उनके साथ मिलना थोड़ा भरोसों से है लेकिन मुझे इंटरेस्ट है, बुलाते थे करते थे मैं सुनता था। कभी भी मैंने माइक भी नहीं लेके आया था और कभी मैंने गाना भी नहीं गाया था, सिर्फ गुनगुना सकता था। वो भी डार्क पिक्चर था और दिलीप कुमार थे, ये मेरे दिल के ही और सर गम की दुनिया से दिल भर गया, वो मैं खुद हारमोनियम पे बजाता था और गुनगुनाता था। उसके बाद ये बात किसको भी मालूम नहीं आज आपके सामने मैं कह रहा हूँ। उसके बाद मैंने स्पेशली आपको बोला मैंने गुरु जी का नारे मोटे हाथ बना के प्रणाम करके मैंने स्टार्ट किया था बाई चांस। उसके बाद मैं एस एस सी में मेरा रिजल्ट आया मैं पास हो गया
और उस टाइम एसएससी में पास होना तो विदिन ए फ्यू डेज यू कैन गेट द सर्विस। और दूसरा ये था कि हमारे कच्ची लोहाने में के कच्ची गुजराती में मैट्रिक पास माने बहुत कुछ हो गया तो शादी का प्रपोजल भी आते रहता है। दैट वॉज अ टाइम। आज ग्रेजुएट हो जाओ, डबल ग्रेजुएट हो जाओ, छोटे लोग के लिए अच्छा लड़के लोग के लिए परिचय विजन बनाना पड़ता है, कुछ फी भरनी पड़ती है, वो भी लाखों में फी भरनी पड़ती है। तब मेरा होता है और मेरा होने के बाद में 15 दिन के बाद में डायबिटीज हो जाता है। ये जमाना अलग हो गया है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बैचलर है और अपने बिजनेस के अंदर है, सिंगर है, जो भी है, उनको कॉन्सेंट्रेट अपना करना चाहिए और विल पावर होना चाहिए। और वो विल पावर संगीत की दुनिया में संगीत ही देता है, और आपको और मुझे देता है। ये नहीं है मुझे अपना महात्मा गांधी जी की बात बढ़ाने के लिए भी था, मैं बात करूँ आपको, मैंने थोड़ा कुछ पढ़ा भी था उनके लिए। उनने इससे पूछ लिया, बापू जी तुमने घन संगीत के मुझे आवड़े थे, हमने सुन लोले थे संगीत को, क्रिटिसाइज करने वाले जो मीडिया रहते थे ना, आज वैसे मीडिया नहीं रहे। आज प्रकाश भाई को वहाँ के मीडिया वाला पूछे तो मीडिया वाले को नॉलेज होना चाहिए। आज मीडिया वाले सिर्फ क्वेश्चन करते हैं कि क्या है, तभी उनको बोला कि क्या है, तो गांधी जी ने बताया कि मैंने पढ़ा हुआ है, इसकी बात करता बहुत टाइम पुरानी बात है। तो गांधी जी ने बताया कि बस मेरे दिल को छूता है वही संगीत है। तो आपको मैंने थोड़ी सी क्यों बता रहा हूँ, ये आपको रिपीट करता हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए, जब आप गाते हो तो सामने वाले के दिल में थोड़ा सा टच हो जाए, थोड़ा सा गुनगुनाने का मन हो जाए, वैसे आपका गीत होना चाहिए। वैसे आपका राग और ताल अलग बात है, सुर और ताल भी अलग बात। मेरे शादी मिलेगी नदी के जल में, कहाँ नदी मिलेगी कौन से जल में कोई जाने ना। जो आप जो गाते हो तब सिचुएशन के हिसाब से गीत गाना अलग बात हो जाती है। और गीत गाने के टाइम पे अगर आपने पिक्चर देखा है और नहीं देखा तो पिक्चर जरूर देखो आप, और फिर आप गाने की कोशिश करो। जैसे आज मानिक ने अभी जो गाने गम भर जो गुजरो तेरे वो गाया, तभी आप लोगों ने नोटिस किया क्या है, उसके ड्रेस पे नोटिस किया, सेम ड्रेस नरगिस ने पहना हुआ था। तो ये तो सिचुएशन के हिसाब से, यहाँ तो अपने फ्रेंड सर्कल बैठे हुए, अपने खुद के आदमी बैठे हुए, इससे कोई भी ड्रेस पहनते चलता है अलग बात है। लेकिन जब आप शो करने में जाते हो, ये मेरा कहने का है, मेरा मानने का भी है और कुछ मैं समझता भी हूँ, तो वो सिचुएशन के अंदर आप जैसे आपको मालूम हो गए। तो हम लोग ने स्ट्रीट सिंगर प्रोड्यूस किया था प्रकाश भाई के साथ में, तब ये जो साइकिल बने थे एग्जैक्टली उनका ड्रेस पहन के उनकी टोपी पहन के आए हुए थे, और हारमोनियम माँ पूछने पर था, हारमोनियम मिला था उठा के लेके आके उनके टेबल पर रख दिया था, और जो ऐसा लगता था कि हारमोनियम वो बरसों से बजा रहे हैं। इतना एक्शन उसने किया और उसको कॉन्टेक्ट करने वाला कोई भी नहीं था, और हमने उनको अवार्ड दिया था। तो ये मेरी छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें के अंदर इससे रहता है, कभी छत से बाहर आ जाता है और कब कब प्रेरणा भी मिलती है। मैं हमेशा प्रकाश को बोलता हूँ कि आप ऐसे करोगे दुनिया को प्रेरणा मिले, और दुनिया ने नहीं किया है वे सब कुछ करके बताओ। जैसे आज का जो प्रोग्राम है एक शाम राज कपूर के नाम, बहुत कुछ इनके पीछे पढ़ पढ़ के घर किया हुआ था कि ऐसे ऐसे करना तो कुछ होता है। 100 मिनट का काम है दूसरे पर असर छोड़ना और दूसरे की नकल करना। आप लोग ने अभी मैंने प्रकाश को बोला कि राज कपूर जो मूछ रखे हैं वो कौन सी मूछ है आपको मालूम है? और इस जमाने में जब आग पिक्चर आई थी, आई वॉज द इन माई सर्कल आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी द आग पिक्चर, तभी आग पिक्चर देखा क्या है, आग पिक्चर देखा है ये है वो, सब लोग निगलेक्ट कर दिया था। जैसे डॉक्टर हो आप देखोगे तो वैसा भी था, उसको सब लोग ने निगलेक्ट कर दिया। जब दूसरा आदमी आपका घर का आदमी आपको निगलेक्ट करता है और समाज का आदमी आके करता है, तो समाज का आदमी जब भी आपके लिए अच्छा बोलेगा तो आपको लगेगा मैं कुछ हूँ। वैसे डॉक्टर हो गया था, वैसे आग पहले और वो आग
पिक्चर आने के बाद में उसने दो तीन पिक्चर और निकाला, वो पृथ्वीराज कपूर का एक जॉब वाले बात है, उसने लिखा हुआ था पहले मन में आग लगी फिर बरसी बरसात, ऐसी चली हवा, जो पहला आग लगी उसके बाद में बरसात बने, उसके बाद में हवा बने। तो ये सब छोटी बात है, आप लोग ध्यान रखें। मेरा कहने का आप भक्त हो गए, सब कुछ करते हो गए, फिर भी मेरा एडवाइस है ऐसी ऐसी छोटी बात आपके दिल में बसा कर दो। आज मैंने करीब व्हाट्सएप पे 10 मैसेज इनको भेजे सुबह सुबह कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ और मेरी लाइफ क्या है। वो पूरा 10 के अंदर विदिन ने बहुत बड़े अगर देखेंगे तो विदिन 3-5 मिनट में मैंने 10 मैसेज किया हुआ था। और उसका रीज़न आपको बता दूँ, पहले मेरी आदत थी वही आदत में वापस मैंने स्टार्ट कर दिया कि रात को सोने के टाइम पर अगर विदिन के अंदर जाग गया और कुछ आइडिया आ गया तो बॉल पेन और पैर मेरे टेबल के पास पड़ा रहता है, मैं नोट डाउन करता हूँ, वापिस हो जाता हूँ और फिर सुबह गुनगुनाता हूँ। तब जिसको लगे कि पागल हो गया कि क्या क्या गुनगुनाता सुबह सुबह ये गीत गुनगुना रहा है, क्योंकि आज कुछ प्रोग्राम हुआ तो मैं याद करता हूँ मुझे क्या करना है। अगर आज को कुछ याद आए तो मैं वो गाना गाता हूँ और गाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं आई एम नॉट ए सिंगर, आई एम जस्ट एक प्रेरणा आपको देखता हूँ, एक एडवाइस दे सकता हूँ, कुछ सपोर्ट भी कर सकता हूँ और आप चाहो वैसे आप प्रोग्राम भी कर सकते हो। उसमें मेरी लाइफ है और लाइफ मेरी जिंदगी में वही महत्व दिलाती है, वही मेरा जो है लोगों को खुश रहो, खुश रखो और जिंदगी बिताओ। थैंक यू। अमित सर आप यहाँ पर आइए, इनकी शादी के साथ उनका हार गहना के स्वागत करेंगे। अमित जी, उमेश जी, सब आ गया है। और शादी के दिन याद कराएंगे। देख लिया और उसमें से
हम लोग ने लकी किया था 25 तो हम सिलेक्ट करने गए और वो सिलेक्शन मैंने मुकेश के ऊपर मोहम्मद रफी और किशोर के ऊपर की थी। और हमारे मुकेश कहाँ गए, मुकेश ये थे बहुत 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 फर्स्ट क्लास, उनका गीत मैं गाने वाला था लेकिन उनकी आवाज़ सुन के मैं प्रकाश को बोला कि मेरी आवाज़ से इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और बहुत छूट होती है। जब मैंने दूसरा प्रोग्राम किया तो मैंने प्रकाश को बोला कि इनको ही बुला लेने यार, मुकेश को बुला दिया, मेरा जूता है जहाँ पर मैं गाने वाला था उनके बदले में इनको दे दिया और दूसरा प्रोग्राम इनको दिया हुआ रहा हूँ उनने गाया हुआ था। तो कहने का टैलेंट जो देती है वो बाहर आ जाती है, ऑटोमेटिक दिखती है। एक मैं एक सॉन्ग गाने वाला था, अभी आपका नाम प्रोपोज मैंने किया था, शीतल को भी प्रोपोज किया था, मैं साथ में गाऊंगा, मैंने बताया था कि मुझे इनकी आवाज़ पसंद है, इनका उपयोग कर लूँ, कभी नाम भी याद नहीं होता लेकिन बोल देता हूँ आवाज़ इनकी है। तो ये बात ऐसी दिक्कत की है कि जब आप एक चीज से एक दो चार करके देखें तुम्हें तो मालूम होता कि है। जैसे एक भी था, एक गीत बहुत अच्छा था लेकिन वो गाने वाले मेरे हृदय में नहीं बैठा था कि ये गा सकता है, तो वो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता था कभी कभी। और उनके उनके शरीर के दूसरे जो सॉन्ग रहते हैं, मेरे प्रिया कहे रंगून मान से किया है तुम्हारी याद सताती है, तो ये संसार यही है, वही गा सकते हैं, दूसरे नहीं गा सकते। और गा सकते हैं, इसे नहीं कि मैं भी गा सकता हूँ, लेकिन जो जो आवाज़ रहती है उनकी जो थ्रिल रहती है, वाइब्रेशन रहता है, वो आपको शरीर को टच नहीं सकता। वही करेगा जो रियालिटी के हिसाब से अपने दिल से बात करेंगे, दिल से कहेंगे तो ही कर सकते हैं। जैसे साइकिल का सॉन्ग जो मैंने करीब करीब 10 पिक्चर साइकिल का देखा हुआ था, 10 पिक्चर, तभी उस जमाने के अंदर वीक चलता था, ये पूरा वीक मंडे से करके सैटरडे तक वीक चलता था, उसके अंदर साइकिल है तो साइकिल का ही सब सॉन्ग पिक्चर आएगी। राज कपूर का तो राज कपूर का आएगा, दिलीप कुमार से दिलीप कुमार, वो बहुत कम रहता था। और उसके अंदर बैंगलोर थिएटर था रिवॉल्व एट माटुंगा, तो वहाँ लाइन लगती थी, आप मानोगे नहीं, सिटीलाइट भी थी, सिटीलाइट में भी कभी कभी बताते उनमें इतनी लाइन लगती थी कि आपको नासिपाक होकर जाना पड़ता था और 1 रुपया 15 पैसा के ऐसा कुछ 11 रुपया ऐसा कुछ था, वो टिकट 10 रुपया और 20 रुपये में बिकती थी, इतने ब्लैक। और ब्लैक के अंदर मैं आई एम द एक्सपर्ट ऑफ बाइंग ऑफ द टिकट फ्रॉम द ब्लैक डॉट्स, आई यूज्ड टू गो एवरी टाइम लास्ट टाइम। जब सिगरेट पीता था तो मैच बॉक्स रखता था, मैच बॉक्स के अंदर पैसा रख के पाल वाले को बोलता था मैच को किले मैं पैसा ले लेता। उस टाइम सीआरडी बहुत रहते थे, पकड़ने वाले बहुत रहते थे, लेकिन वो एक सब अपना है ना, अपने अपने हिसाब से सब तरीके ढूंढ लेते हैं। और आज तो आप एक फ़ोन कर दो आपके घर पर मिल जाती है, एक फायदा है। बड़े जब भी ऐसे तभी थिएटर नहीं थे, तभी थिएटर बताने वाले, आज बिचारों ने कुछ स्टार्ट किया था पिक्चर बताने के लिए कि फर्स्ट शो जो है पर्टिकुलर हीरो का रखेगा, पर्टिकुलर हीरोइन का रखेंगे, वो सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि वो टाइम परफेक्ट नहीं है। टाइम परफेक्ट होता है शाम का टाइम जो परफेक्ट होता है, 6 बजे का शो रहता है तो आपको टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन आपने 12 बजे का शो किया तो उसको क्या देगा। तो पर्टिकुलर पिक्चर देता है, पर्टिकुलर देता है, उसका भी देखने का शो रहता है। कभी कभी नाइट शो देखेंगे और आप 3 बजे के शो में देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क है, आपका मूड अलग हो जाता है। तो इस तरह से इसी सब छोटी बातें और ये छोटी छोटी बातों को आपके लिए कितना प्रॉफिट करेगी, कितना आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी या आप कुछ करोगे तो बहुत कुछ काम करना पड़ता है। सिंगर बनना माइक पे आके गाना गाना अलग बात है और उसके अंदर इन्वॉल्व होकर उसको बात करना वो अलग बात हो जाती है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, एकला जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। इनके